अभी-अभी इन्होंने कहा था कि स्पर्म uh, हस्बैंड का ही होता है लेकिन एग डोनेट किया जाता है औरत के लिए। अभी ऐसे प्रोसीजर्स में अगेन लेबोरेटरी का बहुत बड़ा काम आ जाता है Since you would tell us, फिर से क्या लोगों के मन में डाउट्स आते हैं कि हमने ये अंडा सिलेक्ट किया था या मेरे हस्बैंड का ही स्पर्म यूज किया जा रहा है या नहीं लोगों के मन में शंका हो सकती है शक हो सकते हैं इसके बारे में Uh, देखिए क्या होता है कि अंडा तो उस औरत को बाहर से ही लेना पड़ेगा जिसका मीनो हो गया है जिसका पीरियड बंद हो गया है पर शुक्राणु डेफिनेटली उसके हस्बैंड के ही होते हैं ये थोड़ा uh, लैब से हटकर थोड़ा इमोशनली ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है क्योंकि इमोशनली uh, लोग पहले रेडी नहीं होते थे कुछ कुछ कास्ट ऐसी हैं जिसमें ये अलाउड नहीं है पर अब लगता है ये बच्चा मेरा है या नहीं ऐसा सोच सकते हैं पर अब लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि बच्चा तो हमको चाहिए चाहिए और यही तरीका है हमको बच्चा प्राप्त करने का तो अब एक्सेप्टेबिलिटी जो है सोसाइटी में और डिफरेंट कास्ट में वो आ गई है और लोग इसको ज्यादा से ज़्यादा एडॉप्ट कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोग एग डोनेशन आई प्रोसेस के लिए आगे बढ़ रहे हैं